नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शरद पवार और नितिन गडकरी की मुलाकात से राजनीतिक हलकों में मची हलचल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की शख्सियत ऐसी है कि वह किसी भी पार्टी के बड़े नेता से मिलते हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शरद पवार की मुलाकात से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शुक्रवार को पुणे के एक 5 सितारा होटल में नितिन गडकरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार और खासकर उनके मंत्रालय द्वारा 4 साल में पूरे किए गए काम को साझा किया। लेकिन कुछ देर बाद ही दो दिग्गज नेताओं की इसी होटल में मुलाकात हुई। दोनों बड़े नेताओं की गुप्त मीटिंग के बाद होटल में आग की तरह फैल गई। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही पार्टियों के किसी भी नेता को इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच नागपुर की जमीन व ब्रॉडगेज मेट्रो बनाने और पुणे पंढरपुर पालखी मार्ग के रुके हुए विकास के संदर्भ में चर्चा होने की बात कही गई। बताया गया कि पुरंदर में बनने वाले हवाई अड्डे का रास्ता सासवड सहित नज़दीकी रेलवे स्टेशन से जोड़ने का मशविरा पवार ने गडकरी को दिया। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई जिसमें पुणे के विकास को लेकर बात हुई। लेकिन चर्चा यहाँ खत्म नहीं होती है। एक दिन पहले ही विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद शुक्रवार को दोनों पार्टी के नेताओं का ऐसे गुपचुप मिलना राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने जैसा है। भाजपा से नाराज चल रही शिवसेना को चेतावनी देने के लिए बैठक काफी है। पुणे से सुनील भोंगल, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।